एशिया प्राइम टाइम बुलेटिन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव के मौके पर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, राम मंदिर के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए। राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सहयोगी संगठन के नाते हम कहते हैं, नहीं, राम जन्मभूमि पर शीघ्रता पूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। ये ऐसे है, और इस प्रकरण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षेप चले हैं वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि पड़ोस में सरकार बदल गई लेकिन नियत नहीं। साथ अपनी भद्रता कायम रहे इसलिए हम अपने में कई प्रकार के परिवर्तन लाते हैं, लेकिन वहां परिवर्तन आने के बाद भी करने में कोई अंतर आता नहीं। पड़ोसी देश का हमने देखा, वहां चुनाव हुए, सत्ता बदली। भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में, पंजाब जम्मू कश्मीर में और सीमा पर उस देश के द्वारा जो किया जा रहा था पहले से, उसमें कुछ अंतर आया, उसमें कुछ अंतर नहीं आया। शुक्रवार से 5 दिवसीय बैठक करने के लिए संघ के सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल वाराणसी पहुंच रहे हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में विवाद पर बोले संघ प्रमुख, कोर्ट के फैसले से पैदा हुआ संतोष, धर्म से जुड़े मामले में लेनी चाहिए धर्माचार्यों से सलाह। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का आज दिल्ली में एक अस्पताल में हुआ निधन, आज ही था उनका जन्मदिन। एनडी तिवारी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जताया शोक। राजधानी दिल्ली के 5-स्टार होटल हयात में पिस्तौल लहराने वाले आशीष पांडे ने आज किया पटियाला कोर्ट में समर्पण, एक दिन के पुलिस रिमांड में लिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को मान्यता देने संबंधी अपने नियमों में बदलाव किया और अपनी भूमिका शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी तक सीमित करते हुए आधारभूत ढांचे की ऑडिट की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी है। BCCI ने ठुकराई टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की मांग, कोहली ने की थी विदेश दौरों पर पत्नी को साथ ले जाने की मांग, COA ने कहा अभी फैसला नहीं हुआ। हम हैं हिंदुस्तान समाचार, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।